कर देंगे, बट MG3 जो है वो अभी भी लोग के रखा है। देखिए STR को मदारा को जरूर नॉक आउट किया गया है, ब्राइन लो है, वॉइड बहुत लो रहने वाले हैं, तो अपने आप को हील करके फिर ही आगे बढ़ना पड़ेगा। पिकाचु को भी नॉक आउट किया गया, DPS का फटका पड़ेगा यहाँ पर, जिससे नॉक एंड फिनिश किया जाएगा इंस्टेंटली ऋषि को। एंड वॉइड एंड ब्राइन के ऊपर अभी बिग ब्रदर ईस्पोर्ट्स का पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा। सैफ ने जाके जरूर सर्विस को रिवाइवल इनिशिएट कर दिया है, वॉइड को भी जोन में जाना है, बिग ब्रदर ईस्पोर्ट्स को भी जोन में जाना है, 3v3 का ये फाइट रहेगा। दूसरी ओर टीमआईवी के दो प्लेयर अभी भी देखिए बने हुए थे, आगे आते हैं इन्फिनिटी ओपी, उनको जरूर यहाँ पर कंफर्म किया जाता है, बट इसी सॉरी टीमआईवी नहीं, एनिक्वा फॉरएवर के प्लेयर्स बने हुए, टीमआईवी को एलिमिनेट किया गया है इसी बीच में। एसटीआर पूरा का पूरा बगीले के रोटेशन ले लेंगे, वो फाइट में आते ही नहीं है, फाइनल फाइट 3v3 का होगा, एनिक्वा फॉरएवर भी हो जाती है यहाँ से वाइप आउट। कैप्टन मुझे लगा तो शायद टीम एनिग्मा फॉरएवर वेट करेगी इस फाइट का, उसके बाद अपना इन्वॉल्वमेंट लेगी, लेकिन ये क्या कर बैठे यहाँ पर खिलाड़ी, बट अभी के लिए ऐसा लग रहा है कि बिग ब्रदर ही यहाँ पर ठान के आ रखे हैं। 10 फ्रैग निकाल के आ चुके हैं, अगर ये फ्रैग भी उनके काउंट में जाएगा तो कह सकते हैं 13 फ्रैग वाला ये चिकन डिनर उनके नाम जा सकता है। नंबर्स का एडवांटेज टीम बिग ब्रदर ईस्पोर्ट्स के पास, उनके पास है वो एक्सपीरियंस, उन्हें पता है कैसे यहाँ पर कन्वर्ट किया जाता है। पैरा नॉकआउट तो मिल चुका है, दूसरा खिलाड़ी भी बिल्कुल ऐसा लग रहा है डब्ल्यू के भी वो रुक नहीं रहे, आगे आगे बढ़ते रहेंगे यहाँ पर, और चिकन के नॉकआउट भी निकालते नजर आएंगे। लेकिन जो पीछे बैठा हुआ खिलाड़ी है ब्रायन की बात की जाए, सब कुछ उसके ऊपर निर्भर रहेगा कि ब्रायन क्या आप यहाँ पर एक एपिक क्लच करके दिखा पाएंगे कि नहीं। और हे वी गो, इट्स अ बिग ब्रदर ईस्पोर्ट्स जो हमारे इस पहले मुकाबले को अपने नाम करके जाएंगे। और फ्रैग काउंट की बात की जाए